अस्सलामुअलैकुम। आज हम इफ्तार स्पेशल में आपके लिए लाए हैं चिकन आलू ब्रेड रोल। हम 250 ग्राम चिकन में 30 से 40 रोल बना के तैयार कर ये लेंगे। थोड़े से चिकन में ही बहुत ज़्यादा रोल बन के तैयार होते हैं, तो आप चाहे तो इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और इफ्तार में इसे सेव करके भी आप महीना भर स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमने 250 ग्राम चिकन को हमने बॉईल करके 1 कप पानी डालकर इसको हमने बॉईल कर दिया था। नमक और अदरक लहसुन डाल के 1 से 2 सीटी होने तक इसको हमने बॉईल किया है और उसके बाद इसको इस तरह से श्रेड कर दिया है। और इसका जो स्टॉक निकला है इसको हम बाद में सब चीज़ों को पकाएंगे तो उसमें हम ये यूज़ कर लेंगे। हमने आधा किलो आलू को गलाकर उसका छिलका निकाल कर इसको मैश कर दिया है इस तरह से और इसे ठंडा होने दिया है। और सब्जियों में हमें लगेगा, आधा कप गाजर लिया है, इसे बारीक चॉप कर दिया है और आधा कप ही हमें शिमला मिर्ची लगेगी और बिल्कुल एक मीडियम साइज़ की प्याज को हमने बारीक चॉप कर दिया है और 2 टेबल स्पून उतना हमें हरा धनिया लगेगा, 1 टेबल स्पून उतना हमने हरी मिर्ची को बारीक चॉप कर दिया है। आप मिर्ची आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और बघारने के लिए हमें क्या क्या लगेगा, तो ये बिल्कुल हमने 1 टेबल स्पून उतना लहसुन ले लिया था, ये 4-5 कलियों को रफली मोटा मोटा कूट लिया है और हमने 1 टीस्पून कुटी हुई सूखी हुई लाल मिर्ची लगेगी और 1 टीस्पून ही हमने काली मिर्ची पाउडर लगेगा, 1 टेबल स्पून हमें कॉर्नफ्लावर लगेगा जो हम ये चिकन स्टॉक में डालेंगे, 1 टेबल स्पून हमने बटर लगेगा और आधा टीस्पून हमें ज़ीरा लगेगा, पिसा हुआ ज़ीरा लगेगा। और ये जो चिकन स्टॉक है ये हम इसमें चिकन के स्टॉक में डालेंगे, ये ऑप्शन है, अगर आपके पास ये ना हो तो आप नहीं भी डालें तो चलेगा लेकिन इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो चलिए, हम सबसे पहले स्टॉक में ये चिकन स्टॉक डाल के और कॉर्नफ्लोर डाल के एक तरफ रख देंगे। एक टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर रखा था इसमें डालकर इसको मिक्स करके एक साइड रख देंगे। ये दो थोड़े बड़े साइज के सैंडविच ब्रेड लिया है, अगर छोटे साइज के ब्रेड है तो आप 3 ले लें। और ये आधा कप दूध में हम इसको भिगा कर रख लेंगे, इसका यूज़ हम फिर चिकन में डालने के लिए करेंगे। अच्छी तरह से सॉफ्ट होने देंगे। तो चलिए, अब हम एक पैन में इन सब चीज़ों को बघा लेंगे। सबसे पहले हमने इसमें बटर डाल दिया है, उसके बाद हम ये जो प्याज रखी थी ये डाल देंगे। एक सॉफ्ट होने तक इसको हमें भूनना है, इसे हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है प्याज को। सबसे पहले हम इसमें गाजर डाल देंगे प्याज के बाद। सब्जियों को हमें बस हल्का सा रोस्ट करना है। तो चलिए, अब इसमें हमने जो शिमला मिर्ची चॉप करके रखी थी ये भी डाल देंगे, ये लहसुन जो रखा था ये भी डाल देंगे हम इसमें। जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर, कुटी हुई लाल मिर्च, इन सब चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद इसमें हम ये कॉर्नफ्लावर मिला हुआ जो स्टॉक रखा था इसको डाल देंगे हम। 2-3 मिनट थोड़ा हम पकने देंगे सब्जियों को, उसके बाद फिर इसमें हम चिकन आलू डाल देंगे। तो चलिए, अब इसमें हम ये जो चिकन रखा था ये डाल देंगे। अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है क्योंकि हमने चिकन स्टॉक डाला है इसमें, तो उसमें भी काफ़ी नमक होता है, तो नमक हम चखकर डालेंगे। मैश करके आलू रखा था ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे। इसमें हम एक क्रीमी टेक्सचर देने के लिए घर की फ्रेश मलाई डाल रहे हैं, बिल्कुल 2 टेबल स्पून उतनी।
सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसका पानी हमें ड्राई होने तक इसे पकने देना है, क्योंकि हम इसके रोल बनाने वाले हैं बाद में, तो इसलिए हमें इसका बैटर जो ड्राई चाहिए, तो इसलिए हम इसे 2-3 मिनट तक, जब तक ये पैन ना छोड़ दे तब तक इसे हम ड्राई होने देंगे। देखिए अब ये हमारी फ्लिंग तैयार हो गई हैं, अब ये अच्छे से ठीक हो गई हैं। अब हम फ्लिम को बंद कर देंगे और इसे आधा घंटा ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये ठंडा होने के बाद और ठीक हो जाता है। तो देखिए ये हमारा बैटर अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो इसके अब हम रोल बना लेंगे और बाद में हमें रोल पे लगाने के लिए जो जो लगेगा, हमने आधा कप मैदा लगेगा और 1/4 कप हमने कॉर्नफ्लावर ले लिया है। अगर आपके पास इस तरह का मेजरमेंट कप ना हो तो आप 4 टेबलस्पून मैदा लें और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लें, और चाहे तो आप मैदे और कॉर्नफ्लावर के बदले अंडा भी लगा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। याद रखें इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, आप एकदम नहीं डालें। इसका बैटर हमें बस उतना ही पतला चाहिए जैसा कि हम अंडा फेंटते हैं, बस उतना ही पतला हमें इसका घोल चाहिए। देखिए बस हमें ये इतना ही पतला चाहिए, बस हम थोड़ा सा और मिला लेंगे। देखिए ये अब हमारा अच्छे से बन के रेडी हो गए हैं। अब इसको एक साइड रख देंगे। हम ब्रेड क्रम्स लगा रहे हैं इस पर। हमने तीनों किस्म के, ये सादा वाला ब्रेड क्रम्स है, तीनों किस्म के ब्रेड क्रम्स की वीडियो डाल चुके हैं, आप चाहे तो हमारे चैनल पर चेक कर लें। देखिए सबसे पहले हम हाथों पे ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारे हाथों को रोल बनाते वक्त बैटर चिपके नहीं। बस नॉर्मल मीडियम साइज़ का ले लेंगे हम, ना बहुत ज़्यादा बड़ा ना बहुत ज़्यादा छोटा। देखिए बस इसको हम इस तरह से गोल घुमाते हुए, देखिए बस हमें इस तरह से इसे घुमाना है और इसके कॉर्नर को थोड़ा सा दोनों साइड से दबा देना है, तो ये हमारा रोल बन के रेडी है। इसी तरह हम बाकी के भी बना लेंगे। देखिए ये हमारे इतने बैटर में 30 से 31 बनकर रेडी हुए हैं। ये थोड़ा हमने बड़े साइज के बनाया है, तो इसलिए ये हमारे 30 से 31 रोल बनकर तैयार हुए हैं। आप अगर छोटे साइज के बनाएंगे तो ये 30 से 40 तक भी ये बनते हैं, तो आप इसे रमज़ानों में स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसे इस तरह से एयर टाइट डब्बे में इस तरह से इस पर ये क्लीन फॉइल लगा दे और फिर इसका ढक्कन लगाकर इसको इस तरह से लॉक कर दे, और आप इसे महीना भर भी स्टोर करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। आपको जब फ्राई करना है टेम्परेचर पे लाए बाद इसको फ्राई करें। आपके पास इस तरह का एयर टाइट डब्बा ना हो तो इस तरह की जो कैरी बैग आती है तो इसमें भी आप रोल को डाल के सेव करके रख सकते हैं। ये हमने इसको आधा घंटा फ्रीज़र में रख दिया था, तो चलिए अब इसको हम फ्राई करके बता देते हैं। आपको जल्दी फ्राई करना है तो आप आधा घंटा तो भी फ्रीज़र में इसको रख कर फ्राई करें, ऐसा करने से इस पे जो ब्रेड क्रम्स होते हैं वो अच्छे से सेट हो जाते हैं। चलिए इसमें हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे, एक कढ़ाई रख दिया था हमने।
अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम एक एक करके इसको इस तरह से एक छन्नी पे निकाल लेंगे। तो चलिए दूसरे भी इसी तरह हम डाल देंगे। आप जो चाहे चटनी से इसे सर्व कर सकते हैं। तो हम ये चटनी की रेसिपी डाल चुके हैं आलू पकौड़ों में। आप चाहे तो हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो लीजिए, ये हमारे आलू ब्रेड चिकन रोल बनके तैयार है। आप इसे आने वाले इफ्तार में ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं आपके आलू चिकन रोल कैसे बने थे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। ये कितने क्रिस्पी बने हैं।